आज का प्रातः क्लास है 23/9/1964 बुधवार। रिकॉर्ड चला है माता ओ माता तू जीवन की दाता, बच्चों ने माँ की उपमा सुनी, यूं वास्तव में उपमा तो एक ही होनी चाहिए और एक ही होनी है। बच्चों ने क्या सुनी? माता की महिमा सुनी, लेकिन होना क्या चाहिए है? एक बाप की महिमा होनी चाहिए वास्तव में। क्यों? क्यों एक बाप की महिमा होनी चाहिए? क्योंकि माँ को भी जगदम्बा बनाने वाला फिर भी तो कोई और है। जन्म देने वाला तो जरूर कोई और है। तो ऐसी माँ को भी जन्म किसने दिया? कहेंगे पतित पावन परमपिता परमात्मा ने जन्म दिया, शिव ने जन्म दिया, तो फिर भी महिमा चली जाती है एक ही पतित पावन परमपिता ज्ञान सागर शिव बाबा की। वो बैठ करके बच्चों को अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का और पतितों को पावन करने का राज समझाते हैं। ये तो बच्चे ही समझ गए कि इस समय में पतित राज्य है, जिसको फिर भारतवासी रावण राज्य ही कहेंगे, क्योंकि अभी दशहरा आता है ना। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि अंधश्रद्धा के उत्सव हैं, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि कोई एक रावण था और वो लंका का राजा था। लंका तो फिर कहा जाता है श्रीलान को, तुम जानते हो। कि वहाँ एक पुल भी बांधी हुई है और दिखलाते हैं कि राम जिसकी सीता चुराई गई थी, अब ये तो एक दंत कथा है। राम जिसको भगवान कहते हैं, उनकी सीता चुराई गई, जिनके राम राज्य का इतना बखान करते हैं, फिर उनकी सीता चुराई गई। तो ये जो भी नाविल्स होते हैं इनको दंत कथाएं कहा जाता है। भारत में भारतवासियों का जो शास्त्र है
वो भी एक दंत कथा होती है। अभी ऐसे तो कोई नहीं समझते हैं कि रावण लंका का राजा था, सीलान का राजा था, सीलान कहो सीलान कहो बात तो एक ही है। अगर कोई 10 शीश वाला रावण सीलान का राजा था तो फिर लंका में ही रावण का एफिजी भी जलाते होंगे। परंतु बाबा नहीं समझते हैं कि कोई रावण की एफिजी कोई लंका में जलाते होंगे, क्योंकि ये तो यहाँ के ही हैं। कहाँ के हैं? कौन कहाँ के हैं? जिनकी एफिजी जलाते हैं वो सीलान के हैं या यहाँ भारत के हैं? कैसे हैं? पूरे भारत में? वो कहे नहीं, सीलान में भी लंका में भी रावण का राज्य। ऐसे तो यहाँ के ही कैसे हैं? ये माने कौन? ये रावण के जो 10 मुख दिखाए जाते हैं वो कहाँ के पाटधारी हैं? हैं? कैसे? क्योंकि दुनिया में जो 10 धर्म फैले हुए हैं उन 10 धर्मों के जो मुखिया हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि माने जाते हैं, वो तो बाद में आते हैं रंगमंच पर उनको भी जन्म देने वाले जो आधार और बीज हैं वो भारत में पाठ बजाते हैं संगम में। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुए हैं? ये बीज और आधार मूर्त वो भी 10 हैं। यही धाम धूम से अखबार में भी यही पड़ता है कि रावण को बड़े बड़े महाराजा, उसमें भी जो सबसे जास्ती उत्सव मनाते हैं वो है मैसूर का राजा। कहाँ का राजा है? वो क्यों ज्यादा में उत्सव मनाते हैं दशहरे का? है उसका नाम ही है मैसूर्य। माना कोई सूर्यवंशी राजा है जिसने सांप को हरा दिया। तो खुशी भी किसको होगी है? उसी को सबसे जास्ती खुशी होगी।
शायद मैसूर में उनका इस दंत कथा से बहुत प्रेम देखने में आता है। मैसूर से क्यों? हैं? क्योंकि जो उत्सव मनाते हैं मैसूर का महाराजा, उन्होंने प्रैक्टिकल में ये पार्ट बजाया है। तो बहुत प्रेम देखने में आता है। परंतु समझते तो बेचारे कुछ भी नहीं है। कौन है? हद का मैसूर का राजा या बेहद का मैसूर का राजा? है बेहद का नहीं समझता, हद का नहीं समझता। तो उनको समझाना भी तो तुम बच्चों का काम है। क्यों? वो मैसूर के महाराजा, जो हद का महाराजा है मैसूर का, उसको समझाने का काम हमारा क्यों है? क्योंकि हम बच्चे जो असली ज्ञान सूर्य है और जो सारे विश्व का महाराजा बनता है, हम इस विश्व के मालिक के बालक हैं। तो कौन समझाएगा? है विश्व के मालिक को प्रत्यक्ष करना है तो समझाएगा कौन? जो विश्व के मालिक के बालक हैं वो ही समझाएंगे। समझाना तुम्हारा काम है कि क्या करते हो? ये रावण का एफजी जलाते हो? क्योंकि जिसका बुत बना करके जलाया जाता है वो तो दुश्मन होता है। आगे जब बड़ी लड़ाई लगी थी तो हिटलर का एफजी बना करके जलाते थे। बहुत ही जोर जबरदस्ती के ऑर्डर करता था। कहते हैं ना, हिटलर शाही चलाता है। एफजी बना करके जलाते थे, एक दो के दुश्मन को जलाते थे। अब दुश्मन कोई एक मनुष्य नहीं होता है, न एक का दुश्मन होता है, ये तो बहुतों के दुश्मन होते हैं। जैसे नेहरू को भी पाकिस्तानी समझते थे, क्यों है? क्यों समझते थे? अरे लोगों ने नेहरू को पाकिस्तानी क्यों समझा? क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान का क्या किया?
बंटवारा करा दिया तो उनकी भी एफजी कहां कहां बना करके जला दी, क्योंकि एक मनुष्य दुश्मन है भारत का, जिसने भारत माता को खंडन कर दिया, भारत के खंड खंड कर दिए, ऐसे समझते थे। अब ये रावण किसका दुश्मन है? है किसका दुश्मन है? राम का दुश्मन है। मुरली में तो बोला है राम ही रावण बनता है, तो क्या राम ही राम का राम राम का दुश्मन हो गया? राम रावण नहीं बनता क्या? रावण माने रुलाने वाला है, जैसे कृष्ण वाली आत्मा सृष्टि का आधिपत्ता ब्रह्मा बड़ी मां के रूप में सबको प्यार का अनुभव कराता है, सब खुश होते हैं। त्रिमूर्ति में कृष्ण वाली आत्मा क्या बनती? ब्रह्मा। और राम वाली आत्मा क्या पार्ट बजाती त्रिमूर्ति में? है शंकर का पार्ट बजाती। तो शंकर के रूप में सारी सृष्टि का संहार करने का काम जिसको सौंपा गया, वो सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को रुलाने वाला नहीं हुआ? सारी सृष्टि रोएगी या नहीं रोएगी विनाश के टाइम पर? तो ये सिद्ध करते हैं कि ये भारत का दुश्मन था, भारतवासियों का दुश्मन था, परंतु दुश्मन को भी एक बार जलाया जाता है कि बार बार जलाया जाता है? है? एक बार जलाई दिया, खाक कर दिया, बार बार जलाने की क्या दरकार? तो जलाने का मतलब क्या है? है कोई के जी को जलाना, अगर समझो नेहरू को लो या कोई को भी लो, अगर दुश्मन है तो फिर हर बरस जलाना चाहिए जब तलक वो जीता रहे। एक दफा नहीं, परंतु कोई भी दुश्मन को बरस बरस तो कोई जलाते ही नहीं है। बहुतों की एफजी बनाते हैं। देखो चीन का प्रेसिडेंट होगा ना,
तो उनकी भी एफजी बना करके जलाते हैं, क्योंकि दुश्मन है। अभी ऐसे नहीं कि बरस बरस उनका एफजी जलाते रहेंगे, कोई बरस बरस जलाते हैं नहीं, फिर यहाँ भक्ति मार्ग में बरस बरस क्यों जलाते हैं? कहाँ की यादगार है? संगम युग में क्या यादगार है? है? राम या राम के जो फॉलोअर्स है, सूर्यवंशी राम, उनके फॉलोअर्स सूर्यवंशी वो रावण के जी को वर्ष वर्ष जलाते हैं क्या है? नहीं जलाते है? कहाँ की बात, कैसे, क्या शूटिंग होती? जो राम के फॉलोअर सूर्यवंशी एडवांस को एडवांस ज्ञान वाले हैं, मुक्का मकल रावण को जलाते हैं या नहीं जलाते हैं? जी को वर्ष वर्ष जलाते हैं कि एक ही बार जला के छोड़ देते हैं? वर्ष वर्ष जलाते हैं, और क्या दिखाते हैं कि हर वर्ष जलाते भी हैं और अगली वर्ष रावण और बड़ा हो जाता है। वो भक्ति मार्गी रावण छोटा हो जाता है कि और बड़ा हो जाता है? बड़ा हो जाता माना उसका प्रचार प्रसार संसार में और ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो बोला कि जलाया होगा तो एक दो दफा जलाया होगा, परंतु ये फिर कौन है जिसकी भारत में बहुत समय से दस शीश और बहुत सी भुजाओं वाली एफजी बनाकर जलाते हैं? है वो दस शीश कौन से? जिनको राम के फॉलोअर्स एडवांस में जाने वाले वर्ष वर्ष जलाते हैं, वो एफजी के दस शीश गिनाओ। अरे नहीं ध्यान में आता है? अरे कितने धर्म है? दस धर्म है, और दस धर्म के आदि मुखिया जो है वो कितने हैं? है अरे दस, तो जो आदि मुखिया हैं वो गिनाने चाहिए ना। एडवांस में है या बेसिक में है? एडवांस में है। रावण के दस सिर एडवांस में है, बेसिक में तो गिनाओ, एडवांस में है तो एडवांस में गिनाओ। अरे झाड़ में ध्यान ले जाओ, झाड़ की शुरुआत होती है ना कल्प के आदि में, तो कितनी जड़ें दिखाई गई है? तो दस जड़ों में
पहला फाउंडेशन वाली जड़ कौन है? है? रंबली आत्मा बीज है या आधार मूर्त जड़ है? बीज है। अच्छा, फिर जड़ कैसे कह दिया? 10 जड़ों में उसका नाम कैसे गिना दिया? है ब्रह्मा बाबा है फाउंडेशन। शिव जब आते हैं तो पहले पहले ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, सन 36 में, या कोई और में प्रवेश करते हैं? है आदि में बुद्धि ले जानी चाहिए। तो जिसमें ज्ञान का बीज डाला वो तो बीज रूप हो गया। और वो बीज है कोई धरणी ने धारण किया या नहीं किया? है वो आधार मूर्त हुआ। तो कौन है आधार मूर्त? अरे ब्रह्मा। लेकिन ब्रह्मा वो तो अम्मा है। माँ का स्वभाव संस्कार सहन शक्ति वाला है या पुरुष का स्वभाव संस्कार है? तो ब्रह्मा का नाम कैसे रख दिया? माना यज्ञ के आदि में जो रुद्रमाला थी, जिन रुद्र वत्सों के द्वारा रुद्र यज्ञ रचा गया था, उनमें ही कोई आत्मा है जिसने उसे ज्ञान बीज को धारण किया और धारण करके मम्मा जैसी बाबा जैसी श्रेष्ठ आत्माओं को भी ज्ञान सुनाया। कौन थे वो? अरे कोई थी या नहीं थी? है बड़ी माँ कोई माता थी ना? तो पहला शीश है वो बड़ी माँ आदि में जो जगदम्बा कही जाती है, वही अंत में महाकाली का रूप धारण करती है। सारी दुनिया में सारे ही रावण संप्रदाय और सभी रावण संप्रदाय को भस्मसात करने वाली, संहार करने वाली प्रसिद्धि होती है कि शंकर विनाश करता है। है शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। संगार कारणी कौन है? शक्तियां। तो पहला तो वो हो गया। दूसरा कौन हुआ? अरे झाड़ के चित्र में कोई को बैठाया गया है कि नहीं? दो मुख्य जड़े हैं, एक को माँ के रूप में बैठा दिया। जिस समय झाड़ का चित्र बना था वो आदि वाली माँ तो मौजूद नहीं थी। कौन थी फिर? कौन थी? ओमरादि मम्मा थी, तो बैठा दिया। इसका मतलब ओमरादे मम्मा नहीं है विनाश कारिणी। कौन है? जो यज्ञ के आदि में भी थी,
विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई यज्ञ कुंड से, यज्ञ के आदि में। तो प्रज्वलित करने वाले कौन, किसका किसका नाम लिया? पहले माँ का नाम लिया ब्रह्मा, फिर बाप, फिर बच्चे। तो पहला तो ये हो गया, वो माँ जो मणका है और माँ के साथ जो जगत पिता है, वो दोनों कौन से वंश के हैं? रुद्रमाला के हैं या नहीं है? हैं? रुद्रमाला के तो हैं। उस रुद्रमाला में एक है सूर्यवंश का ग्रुप का बीज 12 का, और दूसरा बनका है चंद्रवंश का बीज। अब आगे चलो, दूसरा सिर कौन सा? झाड़ के चित्र में ही तो दिखाया है, और बाबा ने ही तो बोला है अव्यक्त वाणी में, विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई यज्ञ के आदि में। तो निमित्त कौन? पहला नाम ब्रह्मा, दूसरा नाम, अरे कोई मुकदमा दायर कर दे। तो जिसके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा उसको पीछे पीछे लड़ना पड़ेगा या नहीं? नहीं लड़ना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा। तो दूसरा नंबर बाप, तो वो झाड़ के चित्र में नीचे माँ और बाप के रूप में दोनों बैठे हुए। कोई कहेंगे नहीं, ये तो उमर आदि मम्मा और दादा लेखराज ब्रह्मा बैठे हुए, लेकिन वो ये चित्र जब बनाया गया था उस समय वो यज्ञ के आदि वाले व्यक्तित्व शरीर छोड़ चुके थे। तो कोई न कोई को तो निमित्त मात्र बैठाना पड़े ना। तो उनका कार भार जिन्होंने संभाला, जो मम्मा का टाइटल है, ओमरादे मम्मा का, वो टाइटल है या ओरिजिनल है? टाइटल धारी माँ है। ओरिजिनल माँ तो यज्ञ के आदि में वो थी जो मम्मा बाबा को भी दिल के सिखाती थी। तो ये हुए दो, जिनमें एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी, और बाकी निमित्त कौन बने? पहले माँ, फिर बाप, फिर ब्राह्मण बच्चे। वो ब्राह्मण बच्चे कितने कितने धर्म के? 8 धर्म रह गए। उन 8 धर्म के 4 इधर बैठे हुए हैं और 4 दूसरी तरफ। शास्त्रों में दिखाया है राम के बाप का नाम क्या था? है 10 रथ। कितने रथ? रथ 10 रथ। रथ माने क्या? लकड़ी का रथ माने कोई शरीर रूपी रथ है। तो उनमें 2 तो ये हो गए, 10 सिरों में 10 रथ में 2 रथ ये हो गए, और बाकी जो बचे 8 वो नारायण बनने वाली आत्माएं।
जो बाद में निकलती गई, और राम वाली आत्मा के यज्ञ में आने के, दोबारा यज्ञ में आने के बाद वो दशरथ प्रत्यक्ष हो गए। यज्ञ के आदि में दोबारा जब राम की आत्मा दोबारा आती है ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद, तो दशरथ प्रत्यक्ष हुए पड़े होते हैं। तो शास्त्रों में लिख दिया दशरथ है उनका बाप था। बाप था माना पालना करने वाला था या नहीं, यानी कि पालना करने वाला था। तो दस शीष दिखा दिए हैं और बहुत बुझाने वाली एफजी बनाई गई। शीष होगा तो बुझाएं भी होंगी, बुझाएं माने मददगार। सूर्यवंशी शीष होगा तो सूर्यवंशी बुझाएं होंगी। चंद्रवंशी का आधार मुहूर्त बीज रूप शीश होगा तो बुझाएं भी कौन से वंश की, चंद्रवंश की। तो अनेक बुझाए वाली एफजी बनाए जलाते रहते हैं। कहाँ की यादगार है, हैं? एफजी को जलाते हैं क्या, हैं? अरे संगम युग में एफजी को जलाते हैं, वो भक्त लोग तो जो शरीर है उसका पुतला बनाए कर जलाते हैं। तो वास्तव में संगम युग में एफजी को जलाते हैं, रथ को जलाते हैं, उनके शरीर को जलाते हैं, हैं? वो यज्ञ के आदि में जो भी दशरथ हुए अथवा उनमें अभी भी हैं, अगर उन रथों ने शरीर छोड़ दिया तो सूक्ष्म शरीर का रथ लेकर के है मौजूद इस संसार में, हैं या नहीं है? जरूर हैं। तो ये दुश्मन कब से शुरू हुआ है, स्थापना के साथ साथ अल्लाह वल्दीन हमारा दोस्त है, खुदा दोस्त। उस खुदा दोस्त के साथ किसका जन्म हुआ है, ये रावण का भी जन्म हुआ। उस समय वो तमो प्रधान होता है या सतो प्रधान होता है, रावण, रावण के दस शीश, तमो प्रधान को ही रावण कहा जाता है। तो पता लग गया कि रावण कब से शुरू हुआ, कहां की यादगार भारतवासी मनाते हैं। जो भारतवासी रावण को जलाते हैं वो रावण अब तक मरता ही नहीं है, हर साल बड़ा बड़ा बनाते रहते हैं। कहां की यादगार है, संगम युग में कोई रथ को नहीं जलाते हैं क्या, वो जो पार्टधारी हुए हैं जिन्होंने उल्टे काम किए हैं अज्ञानता के कारण, उनके दिल को जलाते हैं। कौन है, राम और रावण, राम के फॉलोअर्स
जिन्हें एडवांस पार्टी कहा जाता है। तो आखिरी में तो ये दुश्मन खत्म हो ही जाएगा। कब? सतयुग में खत्म हो जाएगा कि त्रेता में कि द्वापर में हो जाएगा? आखिरी कब खत्म हो जाएगा? कब खत्म हो जाएगा? अरे जन्म कौन से युग में लिया है? संगम में जन्म लिया, संगम में ही मर जाएगा। जब असली मर जाएगा तो जो नकली एफजी बनाने वाले हैं वो भी बनाना बंद कर देंगे। खत्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। मना वो तमो प्रधान रावण खत्म हो जाएगा तो क्या रह जाएगा? है उस 10 सिर वाले रावण का तमो प्रधान शीशे 10 शीशे खत्म हो जाएंगे कि रह जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे कि रूप बदल जाएगा? है रूप बदल जाएगा। तमो प्रधान की जगह क्या बन जाएंगे? सात्विक बन जाएंगे। तो ये बातें तुम बच्चों को भी तो समझाना है ना। और भक्ति मार्ग वालों को कि तुम जो ये रावण की एफजी बनाते हो, ये रावण कौन है? किसकी यादगार है? किसका उत्सव मनाते हो? तुम बच्चे तो जानते हो। ये दुश्मन जो रावण है वो तो न सिर्फ भारत का है, यूं ये कहेंगे कि भारत का खास दुश्मन है और सारी दुनिया का है। भारत का स्पेशल दुश्मन है और सारी दुनिया का कामन दुश्मन है, आम दुश्मन है। क्योंकि भारत ही बहुत पवित्र था और भारत को ही रावण ने अपवित्र बनाया है। तो रिजल्ट क्या निकला? आखिर दुश्मन कौन और दोस्त कौन? कब कहें दुश्मन और कब कहें दोस्त? सदा दोस्त ही दोस्त है या सदा दुश्मन है? या सदा दुश्मन ही दुश्मन है, दोस्त भी है? अरे अरे वो ही आत्माएं जब सत्व प्रधान सात्विक स्टेज में होती है तो आत्मा अपना ही आत्मा आत्मा का दोस्त है, आत्मा ही आत्मा का क्या है? मित्र है। और आत्मा ही आत्मा का दुश्मन है। कब? जब सात्विक आत्मा है तो आत्मा ही आत्मा का दोस्त, और तामसी आत्मा बन जाती है तो आत्मा ही आत्मा का
दुश्मन बन जाती है, कोई दूसरा दोस्त या दुश्मन नहीं है। बाकी कहें सदाकाल का दोस्त कौन है, तो कहेंगे ये ज्ञान जो देता है कि आत्मा क्या है, आत्मा आत्मा का कब दोस्त है और आत्मा ही आत्मा का कब दुश्मन है, ये ज्ञान देने वाला सदा का दोस्त है। और जो अज्ञान में डालते हैं कि ये रावण है, मैं राम की औलाद हूं, ये रावण वंशी है, मैं सूर्यवंशी हूं, ये ज्ञान है या अज्ञान है, हैं? ये अज्ञान है। कोई किसी का दुश्मन नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं। हमारी आत्मा अपने कर्मों से ही अपना दोस्त भी बनती है और अपना दुश्मन भी बनती है। 23964 की वाणी का दूसरा पेज। इस दुनिया को कहा जाता है रावण राज्य, क्योंकि कहते थे कि लंका में इनका राज्य था, अब लंका में इनका राज्य था तो जरूर कहेंगे इनकी कोई रानी भी होगी, किसकी है, जिसका लंका में राज्य था रावण का उसकी कोई रानी भी होगी। तो शास्त्रकारों ने ये भी नाम बता दिया, तो फिर दिखलाते हैं कि मंदोदरी एक उनकी रानी भी थी। क्या नाम दिया, मंद उदरी, उदरी माने पेट वाली, मंद माने मंद बुद्धि, मंद बुद्धि बुद्धि वाली, बुद्धि रूपी पेट वाली उनकी रानी भी थी। तो जैसा के किंग भी था, रावण किंग मंद बुद्धि था या श्रेष्ठ बुद्धि था, मंद बुद्धि था, तो चोरी करता था दूसरों की औरतों की, व्यभिचार फैलाता था, तो जैसा कि किंग भी था तो क्वीन भी थी, ऐसे जरूर समझा जाएगा ना। मना जो शीश है, 10 सिर रावण का पाठ बजाते हैं, उनमें 5 सिर हैं राइट ईयर, राइट ओर दाई भुजा की ओर, और 5 सिर हैं बाई भुजा की ओर। बाई माने बामांगी, बामांगी स्त्री को कहा जाता है, तो 5 सिर हुए रावण के पुरुष मुख, ये कौन हुए, और 5 सिर हुए स्त्री मुख, पुरुष मुख कौन है,
रुद्रमाला पुरुषों की है या स्त्री स्वभाव संस्कार वालों की है? हैं? पुरुष स्वभाव संस्कार वालों की रुद्रमाला है, उन बीजों में ही है कोई मुखिया। जो रावण के पांच मुख दिखाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांच विकारों का कोई न कोई तो बीज होगा मूल। परंतु अभी ये तुम्हारी बुद्धि में ठहरता नहीं है, क्या कहा? अभी माने कभी, अभी नहीं ठहरती हैं ये बातें बुद्धि में, कभी। अरे मुरली कब की है? 64 में ये बातें बुद्धि में नहीं ठहरती थी, और अभी है, अभी ठहरती है। वो जो रावण संप्रदाय है वो तो बैठ करके ये बातें सुने, तुम जो दैवी ईश्वरीय संप्रदाय बने हो तुम तो ये नहीं मानेंगे कि रावण कोई अभी तक जीता है या क्या है? जीता है, है? रावण जीता है या मर गया? है? जीता है। जाड़ के चित्र में जो 10 रथ दिखाए हैं, रावण के 10 सिर, जीता है। जीता है का मतलब भले स्थूल शरीर से भी हो और स्थूल से नहीं तो सूक्ष्म शरीर से भी हो, लेकिन अस्तित्व है या नहीं है? है जरूर। तो फिर उनकी एफजी जलाते हैं, क्योंकि अभी भी जी रहा है। नहीं तो एक दफा मार दिया फिर तो खलास हुआ ना। अच्छा, जितनी उनकी आयु है इतना तो भला जलाना चाहिए। यहाँ तो हर बरस जलाई जाती है एफजी। तो रावण की एफजी जलाने के लिए जो भी कमेटी बड़े बड़े बनते हैं तो उनको बच्चों को समझाना चाहिए। जैसे मैसूर का महाराजा है, वो तो सबसे जास्ती, अरे बहुत फॉरनर्स को भी मंगाता है दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? रावण की एफजी जलाने का उत्सव दिखाने के लिए विदेशों से लोगों को मंगाता है। तो फॉरेनर्स भी बेचारे देखेंगे तो ऐसे कहेंगे कि भारत में कुछ ऐसा हुआ होगा जो ये दिखलाते हैं, बाकी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। तो ये राम रावण की कथा नाविल हो गई, एक नाटक बनाए देते हैं।
पूरा नाटक भी बनाते हैं रावण और सीता के हरण का। तो अभी तुम बच्चों को एक तो रावण की ये बात समझानी पड़ती है, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है जो उनको समझाना पड़े कि ये रावण का राज्य कब से शुरू हुआ है। रावण का राज्य कब से शुरू हुआ है, कहेंगे द्वापर युग से। अभी कहते थे संगम की बात है, अभी कहते द्वापर युग से है। रावण राज्य कब से शुरू हुआ है, जो जलाते आते हो, जलाते आते हो तो तुम जरूर अभी रावण के राज्य में बैठे हो, और है भी बरोबर रावण राज्य। क्या कहा है, जो जलाने वाले हैं अपने को या दूसरे को है? अरे अपने को जलाते हैं या दूसरे को जलाते हैं? दूसरों को जलाने वाले खुद रावण संप्रदाय के तो नहीं है। जो दूसरे के दिल को जलाता है वो दुख देने के लिए जलाता है या सुख देने के लिए जलाता है, है? तो दुख देने वाला रावण नहीं है। तो बताया जलाते आते हो तो तुम जरूर अभी रावण के राज्य में बैठे हो, और है भी बरोबर रावण राज्य है। बेसिक वालों के दिलों को जलाते हो या नहीं जलाते हो है? अरे बोलो, जलाते हो। तो रावण राज्य में बैठे हो या राम राज्य में बैठे हो है? है? वो जल रहे हैं। अच्छा, जो दूसरे के दिल को जलाते हैं, दुख देते हैं, वो नहीं जलेंगे, नहीं जलेंगे। हिसाब किताब पूरा होगा कि नहीं? तो बरोबर तुम भी रावण राज्य के हो, क्योंकि पतित राज्य को ही रावण राज्य कहते हैं और पावन राज्य को राम राज्य कहते हैं। जहाँ पवित्रता का राज्य है, पावन राज्य है, राम राज्य है, सती भी राज्य है, स्वर्ग का देवताई राज्य है, वहां दूसरों को दुख देने का उपक्रम किया जाता है, है? किया जाता है? नहीं, नहीं उपक्रम किया जाता है। तो वो राम राज्य के और हम भी रावण राज्य के हैं, क्योंकि क्यों हैं? क्योंकि दूसरों के दिल को दुखाते हैं। ईश्वर का ज्ञान दूसरे के दिल को खुश करने के लिए है या दुख देने के लिए है? खुश करने के लिए। तो जहां देखें कि ये बात सुनाने से किसी के दिल को दुख होगा तो वो बात सच्ची ही क्यों न हो, तो भी ऐसी बात नहीं सुनाना चाहिए।
ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनाना चाहिए जो दूसरे का दिल खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, प्रसन्नता प्राप्त कर ले, माने प्रसाद ले ले। वो तो मीठा ईठा बांट देते हैं प्रसाद में। अब मीठा बांटने की बात नहीं है, ऐसी बातें सुनाना है ज्ञान की जो दूसरों का मुख मीठा हो जाए, उसको कहते हैं प्रसाद। ओम शांति।